हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन के जो है करंट थॉट्स क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपके लिए, या क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे हम। अपने अपने पर्सन का नाम मन में ले लें, उनको इमेजिन कर लें, ताकि एनर्जीज जो है वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो शुरुआत हुई है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। तो दो दो किंग यहाँ पर आ चुके हैं। बेशक यहाँ पर एक नई और हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे हैं। कमिटमेंट इशू का अगर आप लोगों के बीच में चल रहा है, या स्टेबिलिटी का चल रहा है, या आप लोगों का अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा था या नहीं चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके रिश्ते को उनके साथ हेल्दी कैसे बनाएं, कैसे दोनों के बीच में एक अच्छा प्यार, एक अच्छा मोमेंट इकट्ठा किया जाए। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही आपके पर्सन से, तो आपको खोने का डर भी उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर, यानी आपको लेकर, कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता बिखर ना जाए, आप कहीं और ना चले जाओ, किसी और के पास ना हो जाओ, मुझे मिलो ना, मुझे छोड़ दो, मुझे परमानेंट, मुझे भूल जाओ, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। कि किसी भी कीमत पर आपके पर्सन जो है वो खोना नहीं चाहते हैं, नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, नए तरीके से चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड, एक एडजस्टमेंट अगर नहीं है आप लोगों के बीच में, तो एडजस्टमेंट के साथ में एडजस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ताकि अपनी चीज़ों को और अच्छे से शुरू करें। कुछ नए थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, जिनको इनिशिएट करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। वो अच्छे विचार ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको कमिटमेंट कैसे दिया जाए, आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाए, आपके साथ चीज़ों को और बेहतर कैसे किया जाए, और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, उसको कैसे किया जाए। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं, एक नया स्टार्टअप जिसको कहते हैं करना, एक नए तरीके से शुरू करना, और उन चीज़ों को शुरू करने के लिए जो प्री प्लानिंग होती है, वो प्री प्लानिंग जो है यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके थॉट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए। देखिए, पॉजिटिव की बात की और स्टार पहले ही आ गया। जितने भी चैलेंजेस हैं उनको मैनेज करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, होपफुल हैं कि मेरी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो ख़त्म होंगे, और मैं अपने पर्सन की तरफ आगे ज़रूर बढ़ूंगी या ज़रूर बढ़ूंगा, अपने प्यार लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। जितने भी हर्डल्स हैं उनको यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजेस का सामना जो है उनकी लाइफ में करना पड़ रहा है, और जिसके वजह से वो थोड़ा सा टेंशन आई बार 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 हो जाते हैं यार, कि मुझे कितना मैनेज करना पड़ेगा, कितना हैंडल करना पड़ेगा लोगों को, किस तरीके से मैं इन लोगों को मनाऊं, किस तरीके से मैं इन चीज़ों को ठीक करूं, वर्क में प्रॉब्लम है तो वहां कैसे ठीक करूं, फैमिली में इश्यूज़ हैं तो उन्हें कैसे मनाऊं, अपनी मटेरियल लाइफ को मैं कैसे सेट करूं, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, करियर नहीं सेट हो रहा है तो उसे सही कैसे करूं, ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। लेकिन फिर भी होपफुल हैं कि उनकी सारी जो विशेस हैं वो पूरी होंगी, जो वो चाह रहे हैं, जो वो ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, वो मिलेगा उन्हें, और ताकि वो अपनी चीज़ों को बैलेंस ला सकें, और वो बैलेंस लाएंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, ताकि जो है आपकी तरफ एक अच्छा अपना प्यार का तोहफा जो है वो आगे लेकर बढ़ सकें, और आपको ढेर सारा प्यार कर सकें, आपके साथ रीयूनाइट हो सकें, आपकी केयर कर सकें, आपको अपना प्यार इजहार कर सकें, और आपको कमिटमेंट की प्रॉब्लम है तो कमिटमेंट इशू मिल सके, कमिटमेंट का जो इशू है वो सॉल्व हो सके, आपकी तरफ एक नई शुरुआत कर सकें, अच्छे विचारों के साथ शुरुआत कर सकें। आपको किसी भी कीमत पर आपके पर्सन खोना नहीं चाहते हैं, और यही उनके मन में चल रहा है कि बस किसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये छट जाएं, मेरी चीज़ें बैलेंस हो जाएं, मुझे जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं मैं फटाक से उनको क्लियर कर लूं, और अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ूं, अपने पर्सन को मैं कमिटमेंट दूं, अपने पर्सन की तरफ मैं खुश मिजाज लाइफ जीऊं, अपने विशेष को मैं पूरा करूं। बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि मेरी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड की तरफ आपके पर्सन जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके पर्सन की कुछ रीडिंग है। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।